गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू अवर यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस। लेट वी स्टार्ट। सब्जेक्ट इज SST फॉर क्लास थर्ड। डियर स्टूडेंट, इन अवर प्रीवियस क्लास वी डिस्कस क्वेश्चन आंसर लेसन 12। सो टुडे वी विल डू रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर। सो लेट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हाउ HOW हाउ IS इज DUSS HERA दशहरा सेलिब्रेटेड CELEBRA TED सेलिब्रेटेड। कैसे सेलिब्रेट किया जाता है दशहरा? आंसर है ON THIS दिस डे DAY डे ATAT मैनी MANY मैनी प्लेसिस PLACES प्लेसिस ALL OVER ओवर THE द कंट्री CONTR बाई कंट्री EFFIGIESFEGS ऑफ OFO रावण RAVANA रावण THE द KING किंग OFO LANKA लंका ANDE एंड HIS हिज BROTHER ब्रदर KUMBHA KARNA कुंभकर्ण ANDE एंड SON सन MEGHANGHNAD मेघनाथ ARER बंट BURNT बंट। इस दिन कई स्थानों पर रावण जो कि लंका के राजा और उसके भाई कुंभकर्ण और उनके उसका बेटा मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं। क्वेश्चन फोर है हमारा NAME नेम SOME सम INDIAN इंडियन DANCE डांस फॉर्म्स FORMS डांस फॉर्म। कुछ भारतीय संगीतों के नाम बताने हैं। आंसर है गरबा GARBA गरबा DANDIYA डांडिया KATHAK कथक MANIPURI मणिपुरी गरबा डांडिया कथक मणिपुरी एक्सेट्रा। क्वेश्चन फाइव है हमारा NAME नेम THE द वेरियस VARIOUS वेरियस इंडियन INDIAN इंडियन म्यूजिकल MUSICAL म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट INSTRUMENTS इंस्ट्रूमेंट्स। ना विभिन्न भारतीय संगीतों के यंत्रों के नाम बताओ। आंसर है इसका यंत्र कौन से होते हैं, जैसे फ्लूट FLUTE बांसुरी सितार SITAR सितार ढोलक DHOLAK ढोलक सहनाई SHE HNAI सहनाई फ्लूट सितार ढोलक सहनाई एक्सेट्रा। सो थैंक यू स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। यू ऑल्सो लर्न एंड राइट दीज क्वेश्चन आंसर इन योर फेयर नोटबुक। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अवर यूट्यूब ऑनलाइन क्लास। सब्जेक्ट इज इंग्लिश रीडर फॉर क्लास थर्ड। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर 14 ऑफ वर्ड मीनिंग। टुडे आई विल स्टार्ट चैप्टर 14 ऑफ सम एक्सरसाइज। सो डियर स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट। ए है चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए पार्ट है हमारा चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है किंग सुद्धोधना रूल्ड ओवर डैश। जो राजा सुद्धोधना थे वो किसके शासक थे, इंद्रप्रस्थ कपिलवस्तु या बोधगया? तो किसके थे, कपिलवस्तु। बी ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड है सिद्धार्थ मैरिड ए ब्यूटीफुल गर्ल नेम्ड। सिद्धार्थ ने एक सुंदर लड़की से शादी की, उसका नाम क्या था, यशवी वधोदरा या यशोधरा? तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, यशोधरा। थर्ड है लॉर्ड बुद्धा फाउंडेड ए न्यू रिलीजन कोल्ड। लॉर्ड बुद्धा ने एक नए धर्म की खोज की थी, कौन सा था वो, बुद्धिज्म। बी ऑप्शन इज करेक्ट। फोर्थ है सिद्धार्थ हैड ए सन कोल्ड। सिद्धार्थ के बेटे को क्या कहते थे, राहुल। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। फिफ्थ है सिद्धार्थाज फादर वांटेड हिम टू बी ए ग्रेट। सिद्धार्थ के पिताजी उसको क्या बनाना चाहते थे, एम्परर। सी ऑप्शन इज करेक्ट, सम्राट। क्या बनाना चाहते थे उसको, एम्परर, सम्राट। सी ऑप्शन इज करेक्ट।
बी पार्ट है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। बेटा स्टेटमेंट्स दी हुई है, जो ट्रू है उस पर टी लिखेंगे, जो फॉल्स है उस पर एफ करेंगे। तो फर्स्ट है गौतम बुद्ध वाज बोर्न इन इंडिया। क्या गौतम बुद्ध का जन्म इंडिया में हुआ था? नो, फॉल्स। टू है सिद्धार्थ मेडिटेटेड डे एंड नाइट, फॉल्स। थर्ड है सिद्धार्थ वाज फ्री टू गो एनीवेयर, फॉल्स। फोर्थ है देयर आर फोर मेन रिलीजियंस, ट्रू। फिफ्थ है लॉर्ड बुद्धा टोट हिज डिसिपल्स टू बी काइंड टू मैन बर्ड्स एंड बीस्ट, ट्रू। थर्ड है मैच दी वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए विद वर्ड्स गिवन इन कॉलम बी। बेटे कॉलम ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, इनको मैच करना है। सुदोधना क्या थे? रूलर ऑफ कपिल वास्तु। सुदोधना किसके शासक थे? कपिल वास्तु के। सेकंड है पैलेस ग्रैंड एंड ब्यूटीफुल, सेकंड का ई। थर्ड है होली मैन, होली मैन क्या थे? सेटिस्फाइड। फोर्थ है अबेंडेंड टू लिव। फिफ्थ है काम पीसफुल। डी पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। बेटा हेल्प बॉक्स में ये सुटेबल वर्ड्स दिए हुए हैं, जो आपको सुटेबल वर्ड्स है वो इनको फिलअप्स करने हैं। फर्स्ट है बुद्ध मीन्स डैश वन, बुद्ध का अर्थ क्या है? एलाइटेंड। सेकेंड है सुदोधना वाज द किंग ऑफ डैश, सुदोधना किसके राजा थे? स्कायाज के। थर्ड है लॉर्ड बुद्धाज डैश स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, लॉर्ड बुद्धा ने पूरे संसार में क्या फैला दी थी? टीचिंग्स, शिक्षण, टी ई ए सी एच आई एन जी एस, टीचिंग्स। फोर्थ है सिद्धार्थ सैट अंडर द डैश ट्री, सिद्धार्था कौन से पेड़ के नीचे बैठे थे? बुद्धि, बी ओ डी एच आई, बुद्धि। फिफ्थ है एट द एज ऑफ 35, 35 की उम्र में सिद्धार्थ अचीव्ड, सिद्धार्थ ने क्या प्राप्त की? एनलाइटनमेंट, ज्ञान प्राप्त किया। ई एन एल आई जी एच टी ई एन एम ई एन टी, एनलाइटनमेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, राइट डाउन इन योर फेयर नोटबुक सम एक्सरसाइज, राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, लेट वी स्टार्ट अवर मैथ्स ऑनलाइन क्लासेस फॉर क्लास थर्ड। माई डियर स्टूडेंट, इन प्रीवियस क्लास अवर एक्सरसाइज 12.2 इज कम्प्लीट। टूडे वी विल स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 12.3। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के इस पार्ट्स में सब्ट्रैक्ट करना है, सो लेट्स स्टार्ट पार्ट बी। 3 लीटर 400 मिलीलीटर माइनस 2 लीटर 380 मिलीलीटर। नाउ वी सब्ट्रैक्ट, जीरो में से जीरो को माइनस किया, जीरो, जीरो में से 8 माइनस नहीं होगा स्टूडेंट, कैरी लेंगे 4 से, 3, 0, 10। नाउ 10 में से 8 को माइनस किया, 2, 3 में से 3 को माइनस किया, 0, 3 में से 2 को माइनस किया, 1। सो स्टूडेंट्स, 3 लीटर 400 मिलीलीटर माइनस 2 लीटर 380 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर 20 मिलीलीटर। नाउ वी डू नेक्स्ट पार्ट, पार्ट ई। 36 लीटर 380 मिलीलीटर माइनस 21 लीटर 540 मिलीलीटर। नाउ वी सब्ट्रैक्ट, 0 में से 0 को माइनस किया, 0, 8 में से 4 को माइनस किया, 4, 3 में से 5 माइनस नहीं होगा, कैरी लेंगे स्टूडेंट्स 6, 5 और 3 होगा 13। नाउ 13 में से 5 को माइनस किया, 8, 5 में से 1 को माइनस किया, 4, 3 में से 2 को माइनस किया, 1। सो स्टूडेंट, आवर आंसर इज 14 लीटर 840 मिलीलीटर। नाउ नेक्स्ट पार्ट, पार्ट एस। 394 लीटर 560 मिलीलीटर माइनस 217 लीटर 940 मिलीलीटर। नाउ वी सब्ट्रैक्ट, 0 में से 0 को माइनस किया, 0, 6 में से 4 को माइनस किया, 2, 5 में से 9 माइनस नहीं होगा, कैरी लेंगे 3, 15, 15 में से 9 को माइनस किया, 6, 3 में से अगेन 7 माइनस नहीं होगा, कैरी लेंगे 9, 8, 13, 13 में से 7 को माइनस किया, 6, 8 से 1 को माइनस किया, 7, 3 में से 2 को माइनस किया, 1। सो स्टूडेंट, 394 लीटर 560 मिलीलीटर माइनस 217 लीटर 940 मिलीलीटर इज इक्वल टू 176 लीटर 620 मिलीलीटर। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड। नाउ वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अरेंज द फॉलोइंग इन कॉलम्स एंड सब्ट्रैक्ट। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसा है, इसमें डिफरेंस ये है कि पहले हमें गिवन नंबर्स को कॉलम में अरेंज करना है, उसके बाद इनको सब्ट्रैक्ट करना है। सो लेट्स स्टार्ट।
पर डे 35 लीटर 360 मिलीलीटर फ्रॉम 40 लीटर 550 मिलीलीटर मीन्स 40 लीटर 550 मिलीलीटर में से 35 लीटर 360 मिलीलीटर को माइनस करना है. ना वी अरेंज इन कॉलम्स मीन्स ले नंबर राइट करने और मिलीलीटर के नीचे मिलीलीटर के नंबर राइट करने. ना वी सब्ट्रैक्ट, जीरो में से जीरो को माइनस किया जीरो, फाइव में से सिक्स माइनस नहीं होगा कैरी लेंगे फोर, फिफ्टीन, फिफ्टीन में से सिक्स को माइनस किया नाइन, फोर में से थ्री को माइनस किया वन, जीरो में से अगेन फाइव माइनस नहीं होगा कैरी लेंगे थ्री, टेन, टेन में से फाइव को माइनस किया फाइव, थ्री में से थ्री को माइनस किया जीरो. सो स्टूडेंट आवर आंसर इज 5 लीटर 190 मिलीलीटर. नाउ वी डू नेक्स्ट पार्ट. 28 लीटर 350 मिलीलीटर फ्रॉम 29 लीटर 800 मिलीलीटर मीन्स 29 लीटर 800 मिलीलीटर में से 28 लीटर 350 मिलीलीटर को सब्ट्रैक्ट करना है. नाउ स्टूडेंट्स कॉलम में अरेंज कर लिया, अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे. जीरो में से जीरो को माइनस किया जीरो, जीरो में से फाइव माइनस नहीं होगा कैरी लेंगे सेवन, टेन, टेन में से फाइव को माइनस किया फाइव, सेवन में से थ्री को माइनस किया फोर, नाइन में से एट को माइनस किया वन, टू में से टू को माइनस किया जीरो. सो स्टूडेंट आवर आंसर इज 1 लीटर 450 मिलीलीटर. आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड, सो यू कैन इजिली डू रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड. सो स्टूडेंट्स यू डू कम्प्लीट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड. थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम यू टू ऑनलाइन क्लास MLP स्कूल राजपुरा. माई सेल्फ पूनम यूअर कंप्यूटर टीचर. टूडे वी आर डूइंग क्वेश्चन आंसर. नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डेस्कटॉप. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज डेस्कटॉप, डेस्कटॉप क्या होता है. आंसर, द होम स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर वेयर वी कीप अवर नेसेसरी एंड मोस्ट यूजफुल फाइल इज कॉल्ड डेस्कटॉप. होम स्क्रीन जो कंप्यूटर की होम स्क्रीन को होती है, या जो हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं जो सबसे पहले जो स्क्रीन ओपन होती है उसे क्या कहते हैं, हम डेस्कटॉप, जहाँ पे हम नेसेसरी एंड मोस्ट यूजफुल फाइल क्या करते हैं, सेव करते हैं. सेकंड क्वेश्चन इज डिफाइन आइकन. आइकन क्या होते हैं. आंसर इज एन आइकन इज ए स्मॉल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रोग्राम और फाइल. आइकन क्या होते हैं, स्मॉल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रोग्राम और फाइल. आइकन आर यूज टू आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ आइटम. आइकन क्या होते हैं, आइडेंटिफाई किसी भी फाइल की क्या बताते हैं हमें, आइडेंटिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन टास्क बार. टास्क बार क्या होती है. एट टास्क बार इज ए बार लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन. टास्क बार क्या होती है, कहाँ पे होती है टास्क बार, लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, स्क्रीन के बॉटम में. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन टाइटल बार. टाइटल बार क्या होती है, ए टाइटल बार इज ए बार लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन. टाइटल बार क्या होती है, जो टॉप ऑफ द स्क्रीन में होती है. सो एवरी स्टूडेंट डू दिस वर्क इन फेयर नोटबुक. थैंक यू, हैव ए नाइस डे. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम आपकी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से. बच्चों कक्षा तीसरी में कल हमने किया था पार्ट 14 सर्दी आई, ये कविता थी जो हमने कल पढ़ी थी और इसके शब्दार्थ किए थे. आज मैं आपको कराने वाली हूँ इसके अभ्यास कार्य. अभ्यास कार्य में हम आज करेंगे लिखित प्रश्न. सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ. पहला प्रश्न है, सारे बदन में किसने ठिठुरन भर दी, सर्दी ने, धूप ने या छांव ने. तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सर्दी ने. सारे बदन में सर्दी ने ठिठुरन भर दी. अगला प्रश्न है, सर्दी में किसकी जर्दी जम जाती है, सिर, अंडे या हाथ. तो इसका सही उत्तर होगा अंडे. सर्दी में अंडे की जर्दी जम जाती है. अगला प्रश्न है, सर्दी में किसकी नाक लाल हो जाती है, सबकी, उसकी या मेरी. तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सबकी. सर्दी में सबकी नाक लाल हो जाती है. अगला प्रश्न है, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाओ. सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाओ. पहला वाक्य है, सर्दी में धूप में दौड़ने से गर्मी लगती है. सर्दी में
धूप में दौड़ने से गर्मी लगती है, ये वाक्य गलत है। सर्दी में हर जगह सर्दी रहती है, चाहे धूप हो या छाया हो, तो यहाँ पर गलत का निशान लगेगा। अगला वाक्य है, सर्दी में सारा बदन ठिठुर जाता है। सर्दी में सारा बदन ठिठुर जाता है, ये सही वाक्य है, यहाँ पर सही का निशान लगाना है। अगला वाक्य है, सर्दी में हर जगह ठंड लगती है, ये वाक्य भी सही है, यहाँ पर भी हम सही का निशान लगाएंगे। अगला वाक्य है, सर्दी में लोग बहुत सारे कपड़े पहनते हैं, बिल्कुल सही बात है, सर्दी को दूर भगाने के लिए लोग बहुत सारे कपड़े पहनते हैं, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सही का निशान लगाएंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, प्रश्न नंबर 3 क्या था, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। पहला प्रश्न था, सारे बदन में किसने ठिठुरन भर दी, सर्दी ने, धूप ने या छाँव ने, तो इसका सही उत्तर होगा सर्दी में। सर्दी में किसकी जर्दी जम जाती है, सिर, अंडे या हाथ, इसका सही उत्तर होगा अंडे। अगला प्रश्न है, सर्दी में किसकी नाक लाल हो जाती है, सबकी, उसकी या मेरी, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सबकी। अगला प्रश्न है, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाओ। पहला वाक्य है, सर्दी में धूप में दौड़ने से गर्मी लगती है, ये वाक्य गलत है, सर्दी में हर जगह सर्दी लगती है। अगला वाक्य है, सर्दी में सारा बदन ठिठुर जाता है, ये बात बिल्कुल सही है, यहाँ सही का निशान लगेगा। और आगे है, सर्दी में हर जगह ठंड लगती है, ये वाक्य भी बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर भी हम सही का निशान लगाएंगे। अगला वाक्य है, सर्दी में लोग बहुत सारे कपड़े पहनते हैं, बिल्कुल सही बात है, सर्दी से बचने के लिए लोग बहुत सारे कपड़े पहनते हैं, तो यहाँ पर भी सही का निशान लगेगा। तो बच्चों, ये 2 प्रश्न मैंने आपको कराए, प्रश्न नंबर 3 और 4, ये दोनों प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और याद करने हैं। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।